आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इसके इसमें एवरी टाइम जब भी लूप का बॉडी टेस्ट होगा बॉडी सॉरी बॉडी एग्जीक्यूट बॉडी के रिगार्डिंग में चांस किसको प्रोवाइड होगा पुट केयर फंक्शंस ड्यूरिंग कंसोल ऑपरेशन डिस्कस किया था पुट केयर फंक्शंस के थ्रू एनी टाइप्स ऑफ सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले कराना पॉसिबल ओनली एनी टाइम सिंगल कैरेक्टर्स फर्स्ट वन एग्जीक्यूशन विल बी बिगिंस फ्रॉम हेडर ऑफ द मेन सेकेंड केस थर्ड केस इसके अकॉर्डिंग टोटल थ्री वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड हुए आई और सी एच देयरफॉर वेरिएबल आई इज क्रिएटेड इनसाइड स्टैक सेम एज वेरिएबल सी एच इज ऑल्सो क्रिएटेड इनसाइड स्टैक मेमोरी मीन्स इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के रिगार्डिंग में टू वेरिएबल्स क्रिएट होंगे आई एंड सी व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई जीरो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ सी एच इज ए कैरेक्टर ए विच इज इक्वलेंट टू 65 मीन्स दोनों के मीनिंग कैसे हैं एग्जैक्टली सेम दोनों ही किस मैनेज कर रहा हूँ इस केस में नेक्स्ट वन इस केस में जस्ट डू के केसेस में बात कर रहे हैं डू के अंदर कोई भी कंडीशन डायरेक्टली टेस्ट नहीं होगा सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगा देन कंडीशन टेस्ट तो कंट्रोल डायरेक्टली सेंड करें इनसाइड बॉडी मीन्स थर्ड के बाद फोर्थ स्टेटमेंट क्या है पुट केयर सी एच सी एच में करंटली ए स्टोर इसलिए आउटपुट में पुट केयर फंक्शन के थ्रू सिंपली प्रिंट किया और वैल्यू ऑफ सी एच विच इज ए आफ्टर दैट डू वाइल के केस में बॉडी एग्जीक्यूट होने जस्ट बाद चांस किसको प्रोवाइड हुआ कंडीशन टेस्टिंग में फर्स्ट वन फाउंड क्या रहा पोस्ट इंक्रीमेंट आई वैल्यू इज जीरो मीन सबसे पहले जीरो रिप्लेस करेंगे देन आई में इंक्रीमेंट करेंगे आई बिकम्स वन लेकिन कंपेरिजन किस वैल्यू के लिए हो रहा है जीरो के लिए जीरो लेस देन थ्री कंडीशन इज ट्रू और ऑपरेटर का बेसिक बिहेवियर प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था इसके केस में अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन सेकंड कंडीशन टेस्ट करने की नीड ही नहीं हो करंट केस में फर्स्ट कंडीशन कैसा है ट्रू इसलिए इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा ट्रू ट्रू है देन अगेन कंट्रोल सेंड होगा फिफ्थ देन सिक्स्थ अगेन कंट्रोल सेंड होगा इनसाइड बॉडी ऑफ डूवाइल डूवाइल के अंदर अगेन डिस्प्ले होगा वैल्यू ऑफ सी एच सी एच में भी कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए इसलिए नेक्स्ट टाइम अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा ए नेक्स्ट अगेन बॉडी एग्जीक्यूट होने बाद सेवन केस में परफॉर्म क्या हो रहा है कंडीशन टेस्टिंग फर्स्ट कंडीशन पहले टेस्ट होगा आई प्लस प्लस आई का वैल्यू क्या है वन पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले आई का वैल्यू रिप्लेस करेंगे देन आई में इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे वन लेस देन थ्री कंडीशन बिकम्स अगेन ट्रू नेक्स्ट टाइम कंडीशन टू है फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग सिक्वेंस क्या है एट डिस्प्ले वैल्यू ऑफ सी एच सी एच में अभी भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ देन सी एच का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है ए डिस्प्ले क्या हुआ इससे ए नेक्स्ट थिंग्स अगेन डिस्प्ले होने का नाइन्थ केस क्या है कंडीशन टेस्टिंग नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट करें अगेन आई का वैल्यू क्या है टू टू है तो पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट आई बिकम्स थ्री लेस देन थ्री कंडीशन अगेन टू कंडीशन टू है देन चांस किसको प्रोवाइड हुआ अगेन कंट्रोल कंसेंट करें बॉडी ऑफ डू वाइल मीन्स टेंथ केस बॉडी से फिर से सी एच का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा और सी एच में अभी भी क्या स्टोर है ऑल्सो ए देयरफॉर मैसेज ए इज डिस्प्लेड नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे देन आई के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे आई वैल्यू एज थ्री आई का वैल्यू क्या है इसमें वैल्यू एज थ्री नेक्स्ट वन थ्री लेस देन थ्री कंडीशन बिकम्स फॉल्स कंडीशन फॉल्स इसलिए कर्सर कहाँ सेंड होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप आउटसाइड बॉडी लेकिन इस केस में ऑलरेडी अभी एक और एक्सप्रेशन फाउंड हुआ है रिस्पेक्ट टू और ऑपरेशन मीन फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है स्टिल आप चेक क्या करेंगे सेकेंड कंडीशन टेस्ट होगा प्लस प्लस सी एच प्री प्री है तो इस केस में परफॉर्म किया वन मोर थिंग्स इस केस में आई का वैल्यू रिप्लेस क्या किया था थ्री लेकिन थ्री के बाद जब आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर नेक्स्ट वन प्रिय है तो प्रिय पहले ए में सी एच में इंक्रीमेंट कराएं सी एच का वैल्यू क्या है ए मीन 65 प्री ऑपरेशन परफॉर्म पहले इंक्रीमेंट मीन्स आस की वैल्यू किसका आ जाएगा इसके अंदर बी का मीन 66 सी एच प्लस प्लस मीन सी एच इक्वल टू सी एच प्लस वन सी एच का वैल्यू ऑलरेडी क्या था 65 प्लस वन बिकम 66 मीन्स नेक्स्ट वैल्यू क्या है सी एच में 66 नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट करें पहले इंक्रीमेंट होने का सी एच का वैल्यू क्या फंड हो रहा है बी सी एच के प्लेस पर रिप्लेस कराएं बी कंपेरिजन किस हो रहा है सी से बी का आज की वैल्यू क्या 66 और सी का आज की वैल्यू क्या 67 कंडीशन इज ट्रू और मैं फर्स्ट कंडीशन फॉल्स था लेकिन सेकंड ट्रू है ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू इसलिए कर्सर कहाँ सेंड हुआ इस केस में अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन बॉडी के अकॉर्डिंग सी एच का वैल्यू नेक्स्ट टाइम फिर से डिस्प्ले हुआ सी एच में क्या फाउंड हो रहा है बी इसलिए डिस्प्ले भी क्या हुआ इससे नेक्स्ट टाइम मैसेज है बी देन अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन जस्ट वॉल कर्सर सेंड करें इनसाइड कंडीशन टेस्टिंग फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आई प्लस प्लस लेस देन थ्री
आई के केसेस में आई का वैल्यू क्या है, फोर। पहले इस प्लेस पर रिप्लेसमेंट करेंगे देन इंक्रीमेंट, आई बिकम्स फाइव, फोर लेस देन थ्री, कंडीशन इज फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन अगेन फॉल्स है, वो और के केस में अगेन सेकंड कंडीशन टेस्ट कराएंगे। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग प्री इंक्रीमेंट फाउंड हो रहा, तो प्री के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट मीन्स आई का नी सी एच का नी वैल्यू क्या, सी, विच इज इक्वलेंट टू 67। देन रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट भी क्या हुआ 67 और सी लेस देन इक्वल्स टू आस्क वैल्यू ऑफ सी 67, सी का वैल्यू क्या 67 लेस देन इक्वल्स टू 67, कंडीशन इज ट्रू। और मैं फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है लेकिन सेकेंड कंडीशन ट्रू, देन अगेन बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सिक्वेंस साइज 14, सी एच, और सी एच में क्या फंड हो रहा सी, इसलिए नेक्स्ट मैसेज प्रिंट होगा एज सी। आफ्टर दैट अगेन कंडीशन टेस्टिंग, नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट कराएं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्री, सॉरी पोस्ट, पोस्ट है तो पहले रिप्लेसमेंट आई का वैल्यू क्या है फाइव, फाइव देन पोस्टिंग करंट वैल्यू बिकम सिक्स, फाइव लेस देन थ्री कंडीशन बिकम्स फॉल्स। सेकेंड कंडीशन टेस्ट कराएं फाउंड क्या हो रहा है प्री, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट वैल्यू क्या हो जाएगा इसका डी, और 67 प्लस 1 इज 68। देन सी एच के केस में प्री इंक्रीमेंट का जस्ट सी एच का करंट वैल्यू रिप्लेस करें विच इज 68 लेस देन इक्वल्स टू आस्क वैल्यू ऑफ सी इज 67, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। और के केस में दोनों ही कंडीशन फॉल्स है इसलिए कर्सर का सेंड को आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, सीक्वेंस क्या है इसका 16। फाइनली रिजल्ट क्या आएगा ट्रिपल ए देन ए बी सी।